नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के गुड़ चौराहा स्थित बसुहार बस्ती में बीती रात एक बार फिर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों ही पक्ष घायलों के साथ थाने पहुंच गए, जहां एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने होते दिखाई दिए। इस दौरान विवाद में सम्मिलित कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी थाने पहुंचे दोनों पक्ष विवाद का कारण अलग अलग बता रहे हैं। एक ओर घायल नितेश का कहना था कि चुनावी रंजिश के चलते उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें अमरजीत, सूरज, समुद्रे सहित अन्य लोग शामिल थे। वहीं दूसरी ओर इस घटना को महज एक सड़क दुर्घटना बताया जा रहा है। अमरजीत का कहना है कि उसकी बच्ची को नितेश के द्वारा मोटरसाइकिल से ठोकर मारी, जिसके बाद नितेश गाली गलौज करने लगा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। घटना को लेकर दोनों ही ओर से सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इस दौरान पुलिस के द्वारा एक कट्टा भी बरामद किया गया, जिसके संबंध में अमरजीत के द्वारा बताया गया है कट्टा लेकर नितेश उन्हें मारने आया था। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में नितेश सहित एक बच्ची घायल हुई है, जिन्हें पुलिस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। अरे वहाँ से जा रही थी, वो लोग रोक के अचानक हमला कर दिया। अमरजीत सूरज समुद्रे और भी कई लोग थे, नितेश माड़ा ऐसे ही हो गया जरतू है वह चुनाव के रंजिश में। यही हमारी लगी ऊपर गाड़ी चढ़ा, बहुत दारू पी गाड़ी चढ़ा रहा था, खूब तेज गाड़ी किया था और हमारी लगी ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, उसका सर कट गया, लोकर की सर कट गया। और फिर हम लोग बोले तो गुंडागिरी करने लगे और आके 8-10 लड़का हमको हमारे घर में हमको मारपीट भी करने लगे। और मारपीट करने के बाद वो सामान भी लिया था, कट्टा लिया था, वो दिखा रहा था कट्टा है ना। जी जी, कट्टा कहाँ पे रुका लो, बच्ची अब ठीक है, हालत में ठीक हो गई है। हम समझाने के उद्देश्य से गए थे तो वो लड़ने लगे और मारने भी लगे। अमर जी हाँ, सूरज समुद्र नाम नहीं, मारपीट नहीं किया सब, हम लोग छुड़ाए हैं जरूर, अब वो छुड़ाए हैं, देखिए खून भी लग गया उसका, देखिए विवाद हुआ बच्ची को, ने गाड़ी चढ़ा दिया, बच्ची की चोट लग गई तो मोहल्ले के लड़के जितने खड़े हैं तो गाड़ी उनका छुड़ा ली, तो वो अमरजीत के घर से खड़ा कर दिया गाड़ी। अब वो बोले कि हमारी गाड़ी दो, तो बोले हाँ भाई इलाज कराओ। इतने में वो सिद्धार्थ वो नितेश माड़ो कट्टा लेके आए, तो कट्टा निकाले कि गाड़ी दो, नहीं तो तू ऊपर से गमला फेंक दी, तो गमला लग गया उसको, कट्टा वहीं गिर गया, तो लोग भाग दिए। अच्छा भाग जी, कट्टा घर में है नहीं, पुलिस ने अभी रिपोर्ट लिखाने आए हैं, तो वही क्या वो पार्षद है तो इनको उनके साथ में आया है रिपोर्ट लिख, पार्षद कोई लेना देना नहीं, ये पार्षद उसकी औरत है, दादू बोलते हैं, क्या नाम है यार, दादू दमंग लिखते हैं, उनकी पत्नी है ज्योति पासा, तो वो पार्षद है 28 वार्ड की और काम वो करता है, तो बाकी मतलब वो उनकी इनको पाला है वो इन दोनों को, ये पुराना अपराधी मांडो, इनके कई केस चलते हैं साहब थाने में।